हाँ हाय एवरीवन, सो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 3। तो अभी मैं जा रही केडी के साथ वीडियो बनाने के लिए गाइस। तो मुझे नहीं पता गाइस क्या लोकेशन होने वाली है। तो ये देखो, ये लोगों को देख लो। सो गाइज ये देख सकते हो केडी ने ले लिया है ये गिफ्ट। ये भी रही, बट ये उड़ी। फिर अगर दोबारा कोई वीडियो चलती है जिसपे 1K हो जाएंगे मतलब कमेंट पे लाइक, तो फिर उसको दे देंगे। तो तब तक के लिए एक ये दे देते हैं। पर एक इशू हो गया गाइज, जिसको ये हुडी, जिसके लिए एक्चुअली आप देख सकते हो ये कलर लड़कियों वाला है, क्योंकि जो जीता था वो लड़की थी। तो भाई उसके लिए मैंने लाया ये कलर। तो मैंने बाय द वे उसको चॉइस भी दी थी कलर की, तो वो पता नहीं कौन सा जैकेट वगैरह मांगने लगी। गाइज मैंने जब मैंने क्या ही था गिव अवे हुडीज का, तो मैं जैकेट क्यों दूं? मैंने बोला ये ओवर रूल हो जाएगा, ये गलत बात है, फिर कोई कुछ भी मांगने शुरू हो जाएगा, वो तो फिर गलत बात हो जाती है। गाइज अभी ऐसा सीन था कि भाई ये हुडी अभी फिर मैं देखता हूँ, अगर वो लड़की लेगी, मेरी बात चल रही है उसके साथ, अगर वो ले लेती है तो ठीक है, नहीं लेती है तो भाई किसी गरीब को दे दे। नहीं मुझे दे देना, मैं गरीब मैं बहुत गरीब हूँ गाइस, मुझे दे दियो तू। मैं गरीब हूँ। पता है क्या, इसने मेरे घर पे स्टैंड छोड़ा था तो वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम दो ही लोग हैं तो हम दोनों ने वीडियो बनानी होती है साथ में, तो तीसरा बंदा हमारे पास है नहीं, तो हमने स्टैंड लाया था, तो इसने हमारे घर पे छोड़ा था स्टैंड। तो गाइज मेरे को वो भूल गया, और अभी हम इतनी दूर आ गए, तो इधर 2-3 लड़के गए छोटे छोटे स्कूल वाले, हमने उनको बोला कि हमारी वीडियो बना लो, लेकिन गाइज उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने हमको इग्नोर किया और वो चले गए। तो ये देखो अभी ये अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगा रहा है गाइस, लकड़ी का स्टैंड बना रहे कैसे बन सकता है यार, तू पागल है। बन जाएगा, बस एडजस्टमेंट में थोड़ी सी। एनिमल वर्सेस वाइल्ड देखते हो गाइस आप लोग? मैं देखता। वहां से देखा तूने ये? हमने उन लड़कों को बोला हमारी वीडियो बना दो, एक ही वीडियो बनानी है। वो बंदा बोलता नहीं हमें लेट हो रहा, हमने बोला बाइक पे छोड़ देंगे तेरे को, इधर पास में ही जाना है। वो बोलता नहीं नहीं मुझे लेट हो रहा है, मैं तो जाऊंगा, पीछे वाले आ रहे हैं उनसे बनवा लेना। तब से लेके 15 मिनट तक बंदा उधर छुप के हमको देख रहा है, वो तो गया ही नहीं, लेकिन वो बोल रहा था वीडियो बनाने के लिए मुझे लेट हो रहा है। क्या लोग है अरे बाबा, गुस्सा आ रहा है मुझे। गाइज ये देखो भाई, केडी जी की मेहनत रंग ला गई। ये देखो इसने स्टैंड बनाया, ओह माय गॉड गाइस देखा। तो गाइस अभी हम चल पड़े घर के लिए, तो गाइस इतनी ज्यादा यहाँ पे। सो गाइस ये देखो, ये हमारे घर में एलोवेरा लगा रहे हैं, लाए थे तो अभी हमारे घर पे एलोवेरा नहीं थे, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाई। ये देखो मामू ने लगाए। सो गाइस ये वो महान शख्स है, हम रोटी लेके इसको। गाइस ये देखो, ये मम्मा अभी सुबह सुबह स्ट्रगल कर रही है इधर, क्या डाल के देगी मेरी बहन राशु। वो पांव काट दिया, कितना खून निकल गया राशु, जल्दी आ बेटू। नेल्स निकाल दिया पूरा उन्होंने, पता पूरा खून निकल जाएगा, खून कम हो जाएगा। वो बता दिया उस गाइस देख रहे हो, ये इतना बड़ा हो गया कि मेरे नाम से बुलाता है मुझे। ऐसे नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीदी। हाँ तो गाइस ये थोड़ा बीमार हो गया, और मेरे को ना मतलब बाजू में इतनी दर्द हो गई थी, तो फिर मैंने उसके बाद मूव लगाया और साथ में एक इंजेक्शन लिया था। गाइस मैं इतना 2-3 दिन से बीमारी हो जा रही हूँ रेगुलर, तो कभी कोल्ड हो रहा है कभी कुछ। कोल्ड और फीवर ठीक हुआ तो बाजू में इतनी दर्द स्टार्ट हो गई। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सोई, तो फिर 3-4 बजे उठी, तो तब मेरे को थोड़ा ठीक हुआ, रिलीफ हुआ थोड़ा। तो अब मैं इस बाजू से फ़ोन पकड़ पा रही हूँ गाइस, नहीं तो मेरी ना इस बाजू में होश तक नहीं थी पता, मतलब बिल्कुल ऐसा डेड हो गई थी और स्वेलिंग थी। आज पापा आए, अभी आए थे कोई 5 बजे आए थे पापा, और उनके मेरे पापा को 2-2.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो गाइस अब मज़े हैं, अब हम कहीं कहीं जाएंगे और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाएंगे, तो आपको भी मज़ा आएगा। इस आपको बता, मौसम चेंज हो रहा ना, तो उसकी वजह से ना सभी बीमार हो रहे हैं। पहले मेरे को कोल्ड और फीवर हो गया था, और अभी इसको हो गया है, तभी आपको ये चुपचाप से दिख रहा है। और मम्मा अभी कपड़े धो रही हैं शाम के टाइम, क्योंकि गाइस दिन में तो धो नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव आए थे हमारे घर पे, तो अभी धो रही हैं। और गाइस इतनी ठंड हो गई ना, ये देख सकते हो आप, देखो कितनी ठंड हो गई है, अभी से ना धुंध पड़ना शुरू हो गई है।
सो गाइस ये देखो मेरी दादी गेट बंद कर रही है, बंद गेट भी होगा ना तो उसको भी जाके चेक करती है कि कहीं खुला नहीं रह गया हो। आए थे तो मेरी दादी को खाना खिला के हमने सुला दिया, ठीक है। और उस साइड जिस रूम में उनको सुलाया तो वहाँ पे एक और ना डोर है, तो वो ना मतलब सोई हुई थी, फिर उठ के ना मतलब अभी उनको इतना समझ में नहीं आता है, तो वो उठ के ना दरवाज़ा बंद करने के लिए जा रहे थे। पहले उन्होंने दरवाज़ा खोला फिर दोबारा से बंद कर रहे थे, तो उधर ना उनको लग गई पाँव में, उनको पता ही नहीं चला। हाँ भाई जब भी मैं बात करती हूँ ना तो ये मेरे को बोलता है दीदी मुझे भी लो वीडियो में। तो गाइज मतलब उधर उनको लग गई थी शाम को, फिर मम्मा ने पट्टी की शाम को उनको अच्छे से। तो सुबह तक क्या हुआ, उनको दो बारी तो पट्टी उन्होंने रात को ही खोल दी थी, फिर मम्मा ने जब वो सोई दादी, फिर मम्मा ने सोते सोते उनको पट्टी कर दी थी। और सुबह क्या किया उन्होंने, पट्टी देखी और वो खुद ही खोल दी, इतनी खींच के खोली ना तो वो ना ब्लड फिर से निकल गया। और वो चेयर पे बैठे हुए तो उनको बिल्कुल नहीं पता था कि उनके पाँव से ब्लड निकल रहा है। तो मैंने देखा मैं ये क्या इतना ज़्यादा ब्लड, और देखा तो मेरी दादी के पाँव से निकल रहा था। गाइस फिर उनको दोबारा से पट्टी की, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है उनका क्योंकि अभी उनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनको मतलब कुछ याद नहीं रहता है और बिल्कुल पता नहीं चलता है बताओ। तो कौआ कौआ, तो गाइस अभी मेरे को फिलहाल तो भूख लगी है क्योंकि मैं दिन में खाना नहीं खा पाई हूँ क्योंकि मैं बीमार थी। तो अभी मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे पता अभी मम्मा बोलेंगे अभी नहीं खाती, लेकिन मुझे भूख लगी है मैं तो खाऊंगी। तो चलो आप कम खाना खाते ठीक है, चलो। ये देखो कितने एक्साइटेड है, चप्पल खोल के आओ, नीचे चप्पल खोलो। सो गाइस ये देखो मैंने खाना बनाया अभी, तो लव ने भी खाना है, कुश ने भी खाना है। कुश खाना खाना है, खाना चपाती जो मैंने बनाई है इतनी गोल है, इतनी क्यूट है, ओ माय गॉड। गाइस मुझे प्लीज लाइक कर दो, जल्दी से प्यारे से कमेंट कर दो। वाह क्या सीन है, मारो बोली भाई थोड़ी इन बिखर लेगी तू, मैं तुम्हारा आशीर्वादी केदा भरा है तू मुंह पर लगाओ। तुमसे हुआ है प्यार, खुशी आई ना नहीं। उसके ऊपर निर्भर हो, खुद का सोचो दिमाग को। गजब बेइज्जती है, कुछ तरीका है भीख मांगने का। सो गाइज अगर वीडियो में आपको थोड़ा भी मजा आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।